जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम जो है अब आपको बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कि 50 से कम दिन भी बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है, 50 से कम ही दिन हैं। अब आपको बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आप मतलब इधर उधर मत भटकिए। अब जो नोट्स बना रखा है आपने उसको आप बढ़िया से रिविज़न करिए उसका, ठीक है। लूसेंट जीके मैंने बता रखा है भाई कि लास्ट का जो एक डेढ़ महीने बचता है ना आपके पास, वो लूसेंट जीके, ठीक है, लूसेंट जीके जो ब्लू बाबा वाली बुक है ना उसको आप पूरा घोट दीजिए, ठीक है। उसको अगर आप कवर करना चाहेंगे तो एक महीने में दो बार कवर कर लेंगे अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, नहीं तो हो सकता है कि आपको डेढ़ महीने लग जाएं। लेकिन अगर आपने एक बार दो बार पहले पढ़ रखा है तो बहुत तेज़ी के साथ वो रिविज़न होता है उसमें, ठीक है। तो अभी आप उसको शुरू कर दीजिए अगर नहीं शुरू किया है तो, ठीक है, उसको आप रिवाइज़ कर डालिए। अगर आपके पास जो घटना चक्र वाला जो जीएस पॉइंटर है, नई वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। जीएस पॉइंटर उसमें जो है मेन चीज़ें आप उनको रिवाइज़ करिए। जैसे आपका जो साइंस वाला पार्ट है, ठीक है, साइंस वाले पार्ट को आप पूरा पढ़ डालिए, ठीक है। पॉलिटी वाले पार्ट को पूरा पढ़ डालिए, ठीक है, पॉलिटी वाला पूरा पार्ट पढ़ डालिए, ठीक है, पॉलिटी हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मैपिंग मैप बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी, उनको देख लीजिए आप, ठीक है। ये सेलेक्टिव चीज़ें पढ़िए, ठीक है, उनको देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए, और साथ साथ जो आपने नोट्स बना रखे हैं चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या जो भी हों उनको भी आप साथ साथ में करते रहिए। टेस्ट सीरीज़ आप लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज़ जो भी मिले, जहाँ से भी मिले टेस्ट लगाइए, और नंबर कम आए तो घबराइए नहीं, ठीक है। आप उसको जो गलत हो रहे हैं प्रश्न को उनको लिखते जाइए, तैयार करते जाइए, ठीक है। एक अच्छा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होता जाएगा, ठीक है, और आगे जब भी वो कभी आएगा प्रश्न वो आप गलत नहीं करोगे, ठीक। उसी तरीके की एक श्रृंखला मैंने शुरू की है बेसिकली, इसमें आपको प्रश्न भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी दूंगा मैं, 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, या कुछ मैप बेस्ड मैं आपको मैप आधारित कुछ बताऊंगा, ठीक है, और उससे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। आज पहला इसका लेक्चर है, पहला वीडियो है, ठीक है। और ये जो टारगेट है हमारा कि भाई आपको 100+ क्वेश्चन करना है, किस तरीके से मैं जितने भी मैंने प्री एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें किस तरीके से जनरल के कट ऑफ से मैं बहुत आगे लेके आया था, ठीक है, जितनी बार भी मैंने प्री दिया है, तो उस तरीके को मैं आपको बताऊंगा। तो ये तरीका जो है उसको आप अपनाइए, ठीक है, और जो मैं बताया हूँ पहले भी, जो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बता रखी हैं, मैं बार बार चीज़ों को वही चीज़ बताना ठीक नहीं है कि 50 दिन में क्या करिए, 100 दिन में क्या करिए, 10 दिन में क्या करिए, कुछ नहीं, ठीक है। जो बता रखा है उसी को करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। टाइम जब टाइम आएगा तो उस समय मैं बता देता हूँ कि अब आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप रिविज़न मोड में रहिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, दो ही काम करिए आप, ठीक है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो पिक है, पिक के माध्यम से अभी मैं आपको मैप कराऊंगा, ठीक। उस मैप को आप देखिएगा, आपको वहाँ से एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आरओ री एग्ज़ाम में या यूपीपीएससी में आपको मिलेगा वो प्रश्न, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है गोदावरी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसको अच्छे से समझिएगा, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कैसे जाती है, कहाँ जाती है, कितनी लंबाई है, क्या है, वो सब आप इसमें जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी कह सकते हैं आप, ठीक है। एक फैक्ट तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो आप देखिए यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गोदावरी हम देखेंगे, गोदावरी नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। मैंने पहले बताया आपको कि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। अगर दक्षिण गंगा कोई बोले, दक्षिण गंगा, तो ये गोदावरी ही है, ठीक है। 3-4 फैक्ट मैंने बता दिया अभी आपको। इसका जो उद्गम है यहाँ से नहीं है, ये पार्ट नहीं है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक। और ये पश्चिमी घाट से निकलकर, ठीक है, और विभिन्न राज्यों से बहते हुए ये आपका अरब इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो कौन कौन सी और नदियाँ हैं, किधर से, बाएँ तट से कौन सी मिलती है, दाहिने तट से कौन मिलती है, वो देख लेते हैं फटाफट। इसमें देखिए, इधर जब ये शुरुआत होती है तो इधर बाएँ तरफ से पहले देखिए, लेकिन नदियों का बायां तट और दाहिना तट कैसे हम देखेंगे। मान लीजिए कोई नदी ऐसे जा रही है, ठीक है, कोई नदी ऐसे बह रही है,
ऐसे, ठीक है, इस तरफ। तो आप इधर इधर आप इधर ही फेस करके खड़े हो जाइए, तो आपका जो इधर मान के चलिए कि ये आपका बायां हो गया और ये आपका दाहिना हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये जब यहाँ से मान लो ऐसे शुरू हो रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर तक आ रही है, तो ये इसका बायां तट हो गया, ठीक है, और ये इसका दाहिना तट हो गया। तो आप पहली बात तो बहुत डीप में पूछेगा तभी वो बायां और दाहिना पूछता है, ठीक है। लेकिन आजकल प्रश्नों का जो स्तर है, प्रश्नों का जो लेवल है, वो इसी तरीके का है, दाहिने बाएँ से बहुत पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कि आपको बाएं तरफ से देख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है, इधर इंद्रावती और साबरी, ये जो नदियाँ हैं ये आपका दाहिने तट से, ये इस तरफ से मिलती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर दूधना है, ये पूर्णा हो गया, ठीक है, फिर इधर पेनगंगा, वर्धा इधर आगे मिल के आई, इधर वेनगंगा भी आई इधर से, और इधर ये प्राणहिता बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से इंद्रावती इधर से आती है, ठीक है, ये साबरी इधर से आती है, और ये गोदावरी नदी में आके मिल जाती हैं इधर से, ये बाएं तट से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ नदियाँ हैं जो कि ये दाहिने तट से, बाएं तट से मिलती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको मिस मत करिएगा, देख लीजिएगा, बहुत बड़ी नहीं है। और दाहिने तट से कौन कौन सी मिलती हैं, देखिए, तो मंजरा है एक, मनेर है या मानेर कहीं कहीं दिखेगा, ये आपको दाहिने तट से मिलेंगे, ठीक है। तो ये नदियों के जो नाम हैं इनको याद रखिएगा आप, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो रहेगा, इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसकी एक लंबाई, मतलब लंबाई याद रखिएगा, लंबाई जो है ये आपकी लगभग 1500 किलोमीटर की है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे अगर ऐसे क्रम पूछा जाए, चलिए मैं क्रम वाला जो वीडियो है वो अलग से बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी नदियां दक्षिण भारत में किस तरीके से हैं। अगर उत्तर से लेके, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसको, उत्तर से लेके अगर दक्षिण की तरफ आपको क्रम लगाना हो तो कौन कौन सी नदियां आएंगी, पूर्वी घाट की नदियां और पश्चिमी घाट की, दोनों की बताऊंगा मैं, ठीक है, अगला या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ इसको मैं फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो छोड़ दूंगा इसको मैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग।